तो इंडियन टीम यहाँ पे मैच जीत चुके हैं यहाँ पे, और सीरीज़ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे अपने नाम कर लिया T20 का, बिकॉज अभी तक जो सीरीज़ था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, इसमें साउथ अफ्रीका हमेशा से इंडिया के होम ग्राउंड पे जीतते आ रहा था, बट आज पहली बार ऐसा हुआ है कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंदर इंडिया ने यहाँ पे T20 का जो सीरीज़ है वो अपने नाम किया है। और ये जो मोमेंट है ना भाई, बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, और इससे यहाँ पे रोहित शर्मा की जो एक चीज़ है यहाँ पे वो भी उभर के आती है, कैप्टेंसी, और यहाँ पे जो मैच्योरिटी वाली चीज़ आप बोलते हो वो भी यहाँ पे आप मतलब बता सकते हो। कैप्टेंसी की बात करें तो रोहित शर्मा के कैप्टेंसी में भाई कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं है। तो चलिए मैं आपको स्टेट्स की बात यहाँ पे बता दूँ कि आज का स्टेट्स क्या क्या रहा है, और स्टोरी लाइन में थोड़ा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा आप लोगों के सामने कि इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के मैच का स्टोरी यहाँ पे कैसा रहा। तो स्टोरी यहाँ पे ऐसा रहा कि जैसे ही केएल राहुल और रोहित शर्मा यहाँ पे आए, 96 रन तक तो भाई यहाँ पे कोई विकेट ही नहीं है हम लोग का। रोहित शर्मा यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हैं, लास्ट मैचेस में उसका मतलब थोड़ा बहुत ये जो था वो चल गया था, मतलब बैड लक बोल सकते हो, बट आज रोहित शर्मा ने 46 रन यहाँ पे मारा, बहुत ही भयंकर तरीके से मारा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा केएल राहुल है, केएल राहुल भी आज बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर रहे थे। केएल राहुल ने आपका यहाँ पे 57 रन मारे 28 बॉल्स में, उसके अलावा यहाँ पे उसने 5 चौके मारे और जो छक्के हैं वो 4 मारे। तो ऐसे ही मतलब केएल राहुल ने आज बिना मतलब एक दुग्गी लिए ही यहाँ पे 6-4 से यहाँ पे मार मार के मतलब क्या कर दिया, बैंड बजा दिया साउथ अफ्रीकन प्लेयर को। और जब साउथ अफ्रीकन प्लेयर पिट रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो भाई वो लोग मतलब अंदर अंदर दुख थे बहुत, अब दुखी हो गए ना भाई, यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को आप यहाँ पे पीट रहे हो बहुत ही भयंकर तरीके से। उसके बाद यहाँ पे रोहित शर्मा 43 रन बना के यहाँ पे आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोहली, हमारा कोहली साहब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सीधा मतलब 10 बॉल तो ऐसे उन लोगों ने खेला, 10 बॉल में 10 रन हुआ था उसका। फिर सूर्य कुमार यादव जब आते हैं यहाँ पे केएल राहुल के आउट होने के बाद, वो तो भाई आते ही यहाँ पे देखते नहीं कि कौन बॉलर सामने है, कौन यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, आते हैं भाई 6-4 विकेट के पीछे मिस्टर 360, तो मज़ा आया था उसका आज गेम का देख के। फिर यहाँ पे कोहली भी थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉर्म में आ गए यहाँ पे, चलो जब यहाँ पे 150 हो गया, उसके बाद कोहली और सूर्य कुमार यादव ने जो पीटा है ना भाई यहाँ पे, वो मैच मेरे को IPL का मतलब याद आ गया, जैसे यहाँ पे एवी डिविलियर्स और जब कोहली रहते थे, कोहली नॉन स्ट्राइक पे, एवी डिविलियर्स स्ट्राइक पे, और जो धोता था ना भाई यहाँ पे भयंकर तरीके से, तो आज वो वाला मोमेंट याद आया था मेरे को। उसके अलावा यहाँ पे जब एक मोमेंट मेरे को बहुत ख़राब लगे, यहाँ पे 200 हुआ नहीं था यहाँ पे उस टाइम पे शायद, एंड सूर्य कुमार यादव रन आउट हो गए थे, बहुत ही गंदे तरीके से रन आउट हुआ वहाँ पे एक्चुअली ना कन्फ्यूज़न वाली चीज़ हो गई थी। एक कन्फ्यूज़न ये थी कि जब कोहली ने शॉट मारा ना, और कैच मतलब जो कैच तो नहीं हुआ, मतलब फील्डर उस बॉल को पकड़ लिया, अब सूर्य कुमार यादव को लगा कि जो विराट कोहली है यहाँ पे वो सिंगल लेंगे, बट यहाँ पे वो हुआ नहीं, और सूर्य कुमार यादव का डिसीजन गलत था, वो पहले चलेगा तो यहाँ पे आउट हो गया उसमें। उसके बाद यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का अंदर फ्रस्ट्रेशन था, वो कोहली के लिए नहीं था, वो खुद के लिए था कि मैं क्यों दौड़ गया बिना मतलब कॉल सुने, बिना कॉल दिए, ऐसा टाइम मतलब होता है ना भाई, कॉल्स भी होता है जब आप यहाँ पे मतलब कोई खिलाड़ी दौड़ रहे तो वो कॉल्स देता है कि आजा आजा, बट यहाँ पे विराट कोहली यहाँ पे उसको ऐसे करके दिखाया था कि आप अभी मत आओ, फील्डर के हाथ में बॉल है, तो वो हुआ था। उसके बाद विराट कोहली भी फ्रस्ट्रेट आ गए नज़र, उसके बाद जो विराट कोहली ने यहाँ पे खेला है, धागा खोल दिया भाई साउथ अफ्रीकन प्लेयर को, लास्ट में थोड़ा बैड लक ये हो गया उसका कि 49 पे वो मतलब अटक गया, बट उसने उसका एक चीज़ अच्छा लगा आज विराट कोहली का हमें, कि वो जो बोला था ना कि भाई मेरे को 50 नहीं मारना, आप दिनेश कार्तिक आप मारो यहाँ पे लंबे लंबे शॉट, दिनेश कार्तिक ने उस चीज़ पे मतलब बढ़िया उतरा, वो लास्ट का बॉल एक दो तीन बॉल था डॉट चला गया, बाकी तो 6-4 में उसने ही निकाला। तो यहाँ पे हमारी बैटिंग खत्म होती थी 237 पे। उसके बाद यहाँ पे आता है कौन, साउथ अफ्रीकन जो बैटर्स है जो बैटिंग करेगी, वो आने के बाद यहाँ पे होता है भाई जो तेम्बा बावुमा है जो कैप्टन है यहाँ पे साउथ अफ्रीका का, वो 0 पे गया, मतलब उसको भाई डर लग रहा था, पहला ओवर तो यहाँ पे मैडन चला गया दीपक चहर का, ठीक है, उसको डर लग रहा था पता नहीं इंडियन बॉलर्स से मैं फिर से आउट हो जाऊंगा जैसे लास्ट मैच में हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्विंटन डीकॉक था, वो भी थोड़ा टुक टुक करके खेल रहा था लास्ट, मतलब 10 ओवर तक यहाँ पे साउथ अफ्रीकन प्लेयर ना टुक टुक करके खेला। उसके बाद जो भाई मिलर इसको बोल सकते हैं हम लोग, डेविड मिलर जो है ना वो आज मतलब भाई खेला है आज बहुत ही भयंकर तरीके का पारी खेला है, 106 रन मारे 47 गेंद में, समझ सकते हो, अगर मान लो हम लोग का टारगेट 208 220 भी रहता ना, 230 भी टारगेट रहता ना भाई, अचीव कर लेते साउथ अफ्रीकन प्लेयर अगर ये लोग स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत अच्छे से खेलते तो। बट यहाँ पे 2 विकेट यहाँ पे जैसे चली गई साउथ अफ्रीकन की, वो लोग थोड़ा मोरल डाउन हो गया और यहाँ पे मतलब थोड़ा धीरे धीरे खेलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्विंटन डीकॉक का भी यहाँ पे जो मोरल था वो 50 मतलब जो मारने के बाद यहाँ पे थोड़ा अप हुआ, जो बूस्ट आया था उसके अंदर, नहीं तो वो भी भाई ऐसे 30 पे 32 रन 35 पे 34 रन ऐसे टाइप का वो खेल रहा था, जब मिलर आया ना तो किलर मिलर वो मारना स्टार्ट किया बढ़िया से। उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका 221 मारा 3 विकेट, 20 ओवर खत्म, हम लोगों ने मैच जीत लिया यहाँ पे। अगर विकेट की बात करूँ, अच्छा चलो पहले मैं 6-4 की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे डेविड मिलर ने मारा था यहाँ पे 47 बॉल खेला, 8-4 मारा 7-6 मारा। उसके अलावा यहाँ पे क्विंटन डीकॉक है 69 रन 48 बॉल 3 चौके 4 छक्के, ठीक है।
और विकेट की बात करो तो दीपक चहर ने आज विकेट नहीं लिया, और संदीप सिंह ने भाई दो विकेट लिए, और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। ठीक है, तो यही थी मैच की समरी आज की, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, जो यहाँ पे गुवाहाटी में खेला गया था आज। एंड नेक्स्ट मैच यहाँ पे इंदौर में शायद हो सकता है, 30-20 मैच, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे जीतेंगे, क्योंकि इंडियन टीम का जो मोरल है वो बहुत ही बूस्ट है यहाँ पे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन टीम ही जीतेगी। तो आई होप आपको यहाँ पे मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। बाकी एक्स्ट्रा कुछ बातें करने के लिए आप लोग कमेंट करो, आगे का जो वीडियोस आएगा लंबा आएगा, बाकी तो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, आप लोग शॉर्ट्स चेक करते रहना, मिनट मिनट में शॉर्ट्स आते रहते हैं, एंड मैं हर एक अपडेट अपने चैनल पे देते रहता हूँ क्रिकेट के रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर अलग ही फॉलोअर्स बढ़ते हैं। चलो भाई।